बस है, राम का 20 सेकंड जारी है, बस ये रहते शाम के 5 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं स्टेडियम की तरह। मैं रेडी हो चुका हूँ, रियार्थ रेडी हो चुका है, उनकी मम्मा रेडी हो रही है, तो हम तीनों सीधे स्टेडियम जाने वाले हैं। बहुत दिनों बाद स्टेडियम जा रहे हैं। जल्दी भरो, जल्दी भरो, पकड़ दो। और हम आ चुके हैं स्टेडियम की तरफ। यू पानी की बोतल और वो पकड़ो, फुटबॉल पकड़ो अपनी। तो आप अभी से जा रहे हो क्या, ये हमारे साथ रहोगे? हम जा रहे हैं, बाय बाय बाय। हाँ तो दोस्तों, ये महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम है और ये श्री गंगानगर में स्थित है और हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से ये मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर सब गेम कराए जाते हैं, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और बहुत सारे गेम जो भी होते हैं, जिमनास्टिक, कुश्ती, सारे गेम यहाँ पर होते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बास्केटबॉल कोर्ट पे और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे, छोटे बड़े सभी यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में सीखते हैं। और यहाँ पर ऐसे 5 कोर्ट है और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी बच्चे होते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेते हैं, कोई उनसे शुल्क नहीं लिया जाता है। ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क है महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम। यहाँ पर छोटा बड़ा बच्चे सारे खेल सकते हैं। देखिए, ये हमारा रनिंग ग्राउंड और यहाँ पर प्रैक्टिस करता है रियार्थ। ये देखिए, पूरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कोर्ट है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ। अब वीडियो आप ही बनाओगे, मैं नहीं बना रहा हूँ। आ जाओ, देखो मैं स्टेडियम और यहाँ पर पार्टी हुई थी इसलिए गंदा हो चुका है। हम दूसरे वाले स्टेडियम में जा रहे हैं जो आप दूसरा वाला होगा, तो इस तरह का रास्ता है, चलो आपको दिखाना होगा। ये देखो मेरा हॉकी का स्टेडियम है, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब मैं उसका पार्क दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ लाइव कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कुश्ती। ये देखो रही हूँ लाइव कुश्ती। हाँ ये देखिए, आज हमारे फुटबॉल ग्राउंड पे कुश्ती का मैच हो रहा है, यहाँ प्रैक्टिस होती रहती है। आप भी जाओगे क्या कुछ दिन? ये देखो कैसे पकड़ रहे। ये देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सही है। ये जो कुश्ती होने जा रही है नेशनल के लिए होने जा रही है, जो यहाँ पर विनर होगा वो नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करेगा। तो चलिए मैं देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं मिला रहा हूँ आपको ईशान से, ये हमारे पड़ोसी भी है और ये गंगानगर से ही है।
तो इन्होंने खुद नेशनल के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। से हाय, हेलो। तो अभी इनका मैच होने वाला है, तो मैं आपको मैच दिखाऊंगा इनका। रियाड था अभी फुटबॉल ग्राउंड पे गया हुआ है, तो मैं फिलहाल ईशान से मिलने आया था, तो देखते हैं अभी क्या होता है मैच का। अरे रियाद कहाँ के? मैं रियाद को ढूंढ रहा हूँ, रियाद नहीं मिल रहा। अरे मैं रियाद को ढूंढ रहा हूँ, रियाद यहाँ पर मिल नहीं रहा कहाँ। अरे पूरे ग्राउंड में नहीं है। रियू, अरे वो है, मिल गया। कहाँ घूम रहे आप? ईशान भैया की फाइट है अभी, अभी ईशान भैया की फाइट है, ईशान भैया की फाइट है अभी। ये दाव पकड़ा इनने। ओह माय गॉड, पकड़ लिया। आज छूट गया। चल। ओह माय गॉड, रियु पटक दिया था दंगल की तरह। हाँ मंकू का है, ये मंकू को ढूंढ रहा था। तो देखो पकड़ लिया। अरे तगड़ा था। पटक दिया। अरे पापा, अब तू लो पापा। देखो रियाद के फुटबॉल के फ्रेंड लोग, और आज ये खुद फुटबॉल को ब्रेक देके कुश्ती देखने आए हुए हैं। मंकू कहाँ है? कहाँ गए? घर पे। अभी मंकू घर गया हुआ है, रियाद का फ्रेंड जो उसके साथ फुटबॉल खेलता है, तो आज नहीं है। हैं? क्यों गया वो? तो आपको पता होगा, मेरे को क्या पता आपके फ्रेंड के बारे में। इस कुश्ती के बाद फाइनल कुश्ती 74 केजी की प्रवीण खालसा कॉलेज श्री गंगानगर वर्सेस मंजीत टैगोर कॉलेज पूरी। राम का 20 सेकंड रह रही है। बस ये बैठे भैया, तो ज्यादा नाम लेते रहे बहुत बढ़िया। मैं स्टेडियम से आ चुका हूँ घर, और कल तो और भी ज्यादा स्पेशल होगा क्योंकि कल मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे है। ओके बाय, गुड नाइट।